स्वागत है आप सबका इंडियन फिल्म हिस्ट्री एंड न्यूज चैनल पर। बॉलीवुड अब तक में हम आपके लिए कुछ खबरें लेकर आए हैं, तो चलिए देखते हैं। ब्रह्मास्त्र एक्ट्रेस आलिया भट्ट के साथ दो अनजान लोगों ने ऐसा क्या किया जिससे उनका गुस्सा फूट पड़ा। हाल ही में उन्होंने अपनी इंस्टा स्टोरी पर दो पिक्चर शेयर की जिसमें दो लोगों ने चुपके से एक्ट्रेस की फोटो ले ली। फोटोग्राफर की इस हरकत पर आलिया भट्ट ने सवाल उठाते हुए अपनी नाराजगी व्यक्त की है। शहजादा का बॉक्स ऑफिस पर हाल बेहाल। एक तरफ जहां शाहरुख खान की फिल्म पठान बॉक्स ऑफिस पर एक के बाद एक रिकॉर्ड कायम कर रही है, तो वहीं महज 5 दिनों के अंदर ही कार्तिक आर्यन की शहजादा की हालत बॉक्स ऑफिस पर खस्ता हो गई है। इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कार्तिक और कृति की फिल्म कछुए की चाल चल रही है। एनिमल की शूटिंग खत्म। रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर इन दिनों अपनी आगामी फिल्म तू झूठी मैं मक्कार को लेकर चर्चा में हैं। इस बीच रणबीर कपूर ने नेशनल क्रश रश्मिका मंदाना के साथ फिल्म एनिमल की शूटिंग भी पूरी कर ली है। फिल्म के रैपअप पार्टी का एक वीडियो इंटरनेट पर काफी वायरल हो रहा है जिसमें रणबीर का मजेदार डांस देखने को मिल रहा है। स्वरा भास्कर ने पठान की सफलता पर जताई खुशी। वीरे दी वेडिंग एक्ट्रेस स्वरा भास्कर इन दिनों अपनी समाजवादी पार्टी के नेता फहाद अहमद के साथ अपनी शादी को लेकर चर्चा में हैं। हालांकि अपनी शादी के बीच एक बार फिर से उन्होंने पठान को लेकर किए गए ट्वीट से सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। स्वरा भास्कर ने हाल ही में पठान के 1,000 करोड़ की सफलता का जश्न मनाते हुए बॉयकॉट करने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया है। हमने तो नुसरत के बड़े बड़े फंक्शन किए, मेहदी असर के बड़े बड़े फंक्शन किए, आपके मुल्क में तो लता मंगेशकर का कोई फंक्शन नहीं। जावेद अख्तर पाकिस्तान में उर्दू शायर फैज के लिए रखे गए एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे जिसमें उन्होंने मुंबई में हुए 26/11 हमले का मुद्दा उठाते हुए लाहौर में पाकिस्तानियों को ही खरी खोटी सुना दी। हम तो बम्बई के लोग हैं, हमने देखा हमारे शहर पे कैसे हमला हुआ था। तो वो लोग नॉर्वे से तो नहीं आए थे, ना इजिप्ट से आए थे, वो लोग अभी भी आपके मुल्क में घूम रहे हैं। जावेद अख्तर ने कहा, मुंबई में 26/11 हमले की साजिश रचने वाले पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहे हैं। तो ये थी बॉलीवुड की खबरें अब तक। ऐसी ही बॉलीवुड से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल इंडियन फिल्म हिस्ट्री को। एंटरटेनमेंट की दुनिया में जॉब्स पाने के लिए फिल्मी जॉब्स ऐप डाउनलोड करें, अवेलेबल ऑन एंड्रॉइड प्ले स्टोर। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए इंडियन फिल्म हिस्ट्री की ओर से सौगात, डाउनलोड कीजिए शॉर्ट मनोरंजन ऐप, अब ये उपलब्ध है एंड्रॉइड और iOS में।